हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, 2 दिन पहले मतलब कि 9 अक्टूबर को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ है तमिल लैंग्वेज की मूवी बेटिया। इसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, फहद फासिल, राणा दग्गुबाती के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलते हैं। चाहे आप इस मूवी को अब तक थिएटर्स में रिलीज हुए 2 डेज के आसपास का कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के 2 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, इसके बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। चूंकि करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे बेटियन मूवी का टोटल बजट जो कि लगभग 300 करोड़ के आसपास का था, इसमें कि इस मूवी का प्रमोशन अमाउंट भी ऐड था और इस मूवी को अपनी रिलीज होने के फर्स्ट डे को पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 6000 के आसपास की स्क्रीन रिलीज किया गया। चाहे इस मूवी को लेकर मार्केट में हाइप छोटा मोटा ही था, इसके वजह से इस मूवी का जो एडवांस टिकट बुकिंग था वो भी हमें थोड़ा सा कम ही देखने को मिला। जहाँ पे बेटियन मूवी अपनी रिलीज होने के फर्स्ट डे को पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 68 करोड़ 40 लाख के आसपास का क्रॉस कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था, जिसमें कि इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया से ही लगभग 30 करोड़ से लेकर 36 करोड़ के आसपास का ऑल लैंग्वेजेस में कलेक्शन किया है। इसमें कि इस मूवी ने तमिलनाडु से लगभग 20 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन करते हुए अपने फर्स्ट डे को ओपनिंग लिया था। इसी के साथ कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी इस मूवी ने लगभग 10 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया था। पर यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में इस मूवी ने रिलीज होने के फर्स्ट डे को काफी लो कलेक्शन किया है, जो कि लगभग 60 लाख के आसपास का ही है। जो कलेक्शन करने के बाद इस मूवी ने अपने डे 2 को लगभग 36 करोड़ से लेकर 38 करोड़ के आसपास का पूरे वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन किया है, जिसमें कि इस मूवी ने अपने डे 2 को सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया से ही लगभग 20 करोड़ से लेकर 22 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया है ऑल लैंग्वेजेस में। जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के फर्स्ट डे के कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो अब वेटियन मूवी के 2 डेज का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है वो लगभग 104 करोड़ से लेकर 106 करोड़ के आसपास का चला जाता है, जिसमें कि इस मूवी के हमारे इंडिया का जो नेट कलेक्शन है वो लगभग 50 करोड़ से लेकर 52 करोड़ के आसपास का है। तो उस कलेक्शन के सामने इस मूवी का टोटल बजट जो कि लगभग 300 करोड़ के आसपास का था, और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेना है तो इसे 320 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना पड़ेगा। पर यहाँ पे मूवी अपने रिलीज होने के पहले ही लगभग 160 करोड़ के आसपास का अपने डिस्ट्रीब्यूशन शेयर के जरिए कमा चुका है। तो उस अमाउंट को अगर इस मूवी के बजट के अमाउंट से अलग किया जाए तो लगभग 140 करोड़ के आसपास का ही यहाँ पे वेटियन मूवी को वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करना पड़ेगा एक तरीके से हिट का टैग लेने के लिए। जो कलेक्शन ये मूवी आसानी से तो बॉक्स ऑफिस पे कट कर ही लेगा। जहाँ पे मूवी का रिव्यू हमें काफी अच्छा देखने को मिला है, पर यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में इस मूवी का जो कलेक्शन है वो काफी कम है, जो कि आने वाले टाइम पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने वेटियन मूवी को थिएटर में जाके देखा है कि नहीं, और अगर देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन क्रिएट हुआ है, इस बारे में आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।